क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर यूर आंसर. फर्स्ट पार्ट इज इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व. क्या दो बॉडीज के इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज की ही मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है? तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बिकॉज फॉल्स क्यों है? क्योंकि जब भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंजर्व तो रहेगी, पर वो सिस्टम के लिए रहेगी. अगर दो बॉडीज की आपस में बात करें, ईच बॉडी का उन्होंने पूछा है, ईच बॉडी का मतलब क्या, एंड वो इंडिविजुअल बॉडीज, तो वो तो जब भी आपस में इंट्रैक्ट करेंगी, मतलब जब भी कोलाइड करेंगी दो बॉडीज, तो नेचुरल बात है वो अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे को अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर करेंगी. इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. वो कह रहे हैं कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता और टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है. हम ये तो मान सकते हैं कि इंटरनल जो फोर्सेज होते हैं वो कोई नेट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो कितने भी प्रेजेंट होंगे तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट बाहर वाले जो फोर्स होते हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट सी पार्ट इज वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर. ये भी फॉल्स है क्योंकि दुनिया के हर फोर्स के लिए क्लोज साइकिल में वर्क डन जीरो होता है. हम ये देखते हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं ना, उनके लिए क्लोज साइकिल के वर्क डन जीरो होता है. मीन्स हम जहां से चले हैं वापिस आएंगे तो हमें वर्क अब मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. तभी हम देखो जब भी साइकिलिंग करके साइकिल चला के पुल के ऊपर चढ़ जाते हैं, ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वापस आते टाइम हमें पैडलिंग नहीं करनी पड़ती. वो पैडलिंग क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि हम पहले वर्क कर चुके हैं, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम जा चुके हैं. मतलब हम वापस आते हैं तो हमें वही वर्क वापस हमें रिटर्न में मिल जाता है. तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए बात ट्रू है और बाकी सभी फोर्सेज के लिए क्लोज साइकिल में वर्क जीरो नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स है. आप किसी एक ब्लॉक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए एक्स से वाई, क्या वाई से एक्स अपने आप आएगा? नहीं, अब भी हमें काम करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोज साइकिल के लिए, फ्रिक्शन के लिए नेट वर्क डन जीरो नहीं होता. इसीलिए आप सिंपल सा इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज द वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली. ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ये जो क्लोज साइकिल के लिए वर्क डन होता है वो जीरो होता है. डी पार्ट इज इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन एन इन इलास्टिक कोलिजन. क्या किसी इन इलास्टिक कोलिजन में ऑलवेज ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लेस होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल ट्रू बात, बिकॉज वी नो इन इलास्टिक कोलिजन बोलते ही उसको है जिसके अंदर क्या हो एनर्जी का लॉस होता है बाय हीट, साउंड या फिर कोई और अदर मीन से.